फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो रेमेडी है, इसे लगाने से आपके चेहरे पे बहुत अच्छा निखार आएगा, आपकी स्किन पे एक नेचुरल ग्लो आने वाला है। आपकी अगर स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो वो भी ठीक हो जाएगी। अगर आपके चेहरे पे झुर्रियों की प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक होने वाली है। बहुत ही अच्छी रेमेडी है, इसे ट्राई कीजिएगा। इसे लगाने से आपको एक बार में ही बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, आपकी स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो नज़र आने वाला है। साथ में अगर आप चाहते हैं कि सर्दियों में आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट रहे हैं, तो ये फेस पैक ज़रूर यूज़ करें। इसे बनाना भी बहुत आसान है, लगाना भी बहुत आसान है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं इस फेस पैक को बनाना कैसे है। उससे पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स, मेरा एक और चैनल है रूप सौंदर्य व्लॉग्स, आप उस चैनल को भी देखें, उस चैनल को भी जरूर सपोर्ट करें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो चेक जरूर कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से देखते हैं इस रेमेडी को बनाना कैसे है। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ मलाई, जो कि घर के दूध की बनी हुई मलाई है। और इस मलाई से हमारी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, हमारे चेहरे पे बहुत अच्छा निखार आता है। साथ में अगर आपकी स्किन ड्राई है तो वो भी ठीक हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने एक चम्मच मलाई ली है, तो मैं इस मलाई को ले लूँगी इस बाउल के अंदर। तो फ्रेंड्स, मैंने जो दूध गर्म किया था उसी के ऊपर जो मलाई आती है वही मलाई ली है। आपको 4-5 दिन पहले की मलाई नहीं लेनी है, ताज़ा मलाई लेनी है। तो एक चम्मच यहाँ पे मैंने मलाई ली है। उसके बाद मैं यहाँ पे एलोवेरा जेल ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेना है। एलोवेरा जेल क्या करता है, हमारी स्किन पे जो दाग धब्बे हैं उन्हें ठीक करता है, हमारे चेहरे पे जो झाइयाँ हैं उन्हें ठीक करता है, साथ में हमारे चेहरे पे जितने भी ड्राइनेस है उसे दूर करता है, बहुत अच्छा ग्लो लाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं एलोवेरा जेल लूँगी। तो बिल्कुल थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेना है। फ्रेंड्स, उसके बाद मैं यहाँ पे एक चम्मच शहद ले रही हूँ। शहद से हमारी स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। तो फ्रेंड्स, शहद से हमारी स्किन पे जितना भी ड्राइनेस है वो दूर होता है, हमारे कलर को फेयर बनाता है, साथ में हमारे चेहरे पे ग्लो लाता है। तो यहाँ पे मैंने एक चम्मच के करीब शहद लिया है। बहुत अच्छी रेमेडी है, इसे ट्राई कीजिएगा। सर्दियों के लिए तो ये रेमेडी बहुत ही अच्छी है, तो इसे एक बार लगा के जरूर देखिएगा, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। फ्रेंड्स, उसके बाद मैं यहाँ पे लास्ट ले रही हूँ एक चम्मच बेसन, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है 1 से 2 मिनट के लिए, और ये बहुत अच्छा फेस पैक है, इसे ट्राई कीजिएगा। इसे लगाना भी बहुत आसान है और बनाना भी बहुत आसान है। तो मैं इसे 1 से 2 मिनट अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे मिक्स कर लिया, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी रेमेडी है, इसे ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है, बहुत अच्छी रेमेडी है। इससे आपकी स्किन जो है ना वो ड्राई नहीं होगी, इससे आपकी स्किन पे बहुत अच्छा निखार आएगा। आप चाहते हैं कि आपके चेहरे पे एक अच्छा सा ग्लो आ जाए, आपका चेहरा थोड़ा सा फेयर दिखे, आपकी स्किन पे एक गजब का ग्लो आ जाए, तो इस रेमेडी को यूज़ करें। अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो ये फेस पैक लगाना शुरू कर दीजिए, इससे आपकी स्किन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात है फ्रेंड्स, इसे आप रोज़ लगा सकते हैं अपने चेहरे पे, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो मैंने इसे मिक्स कर लिया है, अब इसे पूरे चेहरे पे लगा लेते हैं। इसे लगाना भी बहुत आसान है, तो चलिए फटाफट से इसे पूरे चेहरे पे लगा। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे पूरे चेहरे पे लगा लिया है। इसे अच्छे से पूरे चेहरे पे आपको लगाना है, लगा करके आपको 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपको नॉर्मल पानी से अपने फेस को वॉश करना है। फ्रेंड्स, ये जो फेस पैक आपके चेहरे की झुर्रियों को दूर करेगा, दाग धब्बों को दूर करेगा, झाइयों को दूर करेगा, साथ में अगर आप चाहते हैं मलाई से आपकी स्किन ग्लो करे, आपकी स्किन जो सॉफ्ट हो जाए, अगर ड्राई रहती है आपकी स्किन जो ड्राई रहती है उसे ठीक करना चाहते हैं, अपनी स्किन की जो प्रॉब्लम है उसे दूर करना चाहते हैं, तो ये फेस पैक ज़रूर लगाएं अपने चेहरे पे, इसका रिज़ल्ट बहुत कमाल का आता है।
तो फ्रेंड्स आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है तो इस फेस पैक को यूज़ करना शुरू कर दीजिए। और जब इस फेस पैक को लगाएं तो आप साबुन या फेस वॉश यूज़ ना करें, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। आपकी स्किन काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगी और ड्राई स्किन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। साथ में एक अच्छा निखार चाहिए, ग्लो चाहिए, तो इस फेस पैक को यूज़ करना शुरू कर दीजिए। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।